सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर को। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर को। तो सबसे पहले चलिए लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं, ये क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर जो है तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है लॉजिकल एंड, यानी कि हम इसे बुलियन एंड भी कह सकते हैं। दूसरा है लॉजिकल और, इसे भी हम बुलियन और कह सकते हैं। और तीसरा है लॉजिकल नॉट, इसे बुलियन नॉट कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है, इसमें कोई भी ऑपरेशन होते हैं उसके दो ही रिज़ल्ट होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे हाँ या ना, यस और नो, या तो ज़ीरो या तो वन। तो चलिए ये ज़ीरो और वन, ट्रू और फॉल्स कैसे काम करता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं बुलियन एंड का, बुलियन एंड कैसे काम करता है। तो इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने एक ऑपरेटर लिया है ए, दूसरा ऑपरेटर वी, और मैंने इसका आउटपुट को जो नाम दिया है वाई को वाई नाम दिया है। अब पहले कंडीशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हम ए में रखते हैं ज़ीरो, बी में भी ज़ीरो रखते हैं। मैं यहाँ अभी लॉजिकल एंड की बात कर रहा हूँ। ए में ज़ीरो रखते हैं इसमें, बी में ज़ीरो रखते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ये लॉजिकल एंड में काम करता है ये। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं, ए में हम ज़ीरो रखते हैं और बी में हम वन रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा आउटपुट जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अब थर्ड केस में हम लोग देखते हैं, इसमें हमने रखा है ए में वन, बी में ज़ीरो रखा है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, वाई जो आउटपुट हो जाएगा ये, इसमें भी ये ज़ीरो हो जाएगा। लॉजिकल एंड में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, आउटपुट वन यानी आउटपुट ट्रू होने का, कि दोनों ए और बी में हम वन रखते हैं, यानी कि ए और बी में हम ऐसे भी कह सकते हैं यस और यस, तब ये जाकर हमारा आउटपुट जो है ट्रू होगा, यानी कि वन होगा। तो ये तो था हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब चलिए हम लोग, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोग लॉजिकल और कैसे काम करता है। लॉजिकल और इस बेसिस पे काम करता है, इसमें भी चार कंडीशंस होते हैं, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री और कंडीशन फोर। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। कंडीशन वन में हमने रखा है ए में ज़ीरो और बी में ज़ीरो रखा है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ज़ीरो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, ए में हमने ज़ीरो रखा है, बी में वन रखा है, तो इसका आउटपुट वाई हो जाएगा वन, क्योंकि यहाँ ये और गेट है, मतलब इसको हिंदी में या भी कह सकते हैं, या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों में से किसी में भी वन होगा तो इसमें वन होगा, यानी कि दोनों में से किसी में भी एक अगर ट्रू होगा तो इसका आउटपुट ट्रू होगा। अब देखते हैं हम तीसरा कंडीशन, ए में हमने रखा है वन, बी में ज़ीरो रखा है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा वन, यानी कि ये भी ट्रू होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ए में भी वन रखा है हमने, बी में भी वन रखा है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा, लॉजिकल और का आउटपुट हो जाएगा वन। तो ये था हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर्स। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरा वाला, यानी कि लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, दो कंडीशन होते हैं, इसमें ऑपरेटर दो होते हैं, ऑपरेटर एक ही होते हैं, ए होगा और एक उसका आउटपुट होगा। मान लीजिए कि हमने ए में रखा ज़ीरो, तो इसका आउटपुट वाई जो होगा वन हो जाएगा, क्योंकि ये इसे हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं, इन्वर्ट कर देता है हमारे इनपुट को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ए में रखा है वन, तो इसका आउटपुट जो वाई हो जाएगा ज़ीरो, ये एज ए इन्वर्टर भी काम करता है। तो फ्रेंड्स अब इसे और डीपली हम समझेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में, जब मैं बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाऊँगा तो उसमें और ज़्यादा डीपली हम समझ जाएंगे। तो चलिए अब इसे प्रोग्रामिंग में देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम रेडी रखा है कोडिंग करके। अब चलिए इसे हम पेस्ट कर लेते हैं अपने स्क्रीन पे। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम में मैंने रखा है एक एलईडी जो कि पिन नंबर थ्री पे मैंने कनेक्ट किया है, यहाँ आप लोग देख सकते हो, और दो मैंने बटन रखा है, यानी कि दो स्विच रखा है इसमें, एक बटन वन और दूसरा है बटन टू। बटन वन को मैंने आर्डिनो के पिन नंबर थ्री पे कनेक्ट किया है, बटन टू को मैंने आर्डिनो के पिन नंबर फोर पे कनेक्ट किया। अब इसको मैंने सेटअप कर दिया यहाँ पिन मोड सबका,
एलईडी को आउटपुट मैंने रखा है और बटन वन और बटन टू को इनपुट रखा, यानी कि ये इनपुट लेगा ये दोनों और एलईडी हम लोग को आउटपुट देगा। तो अब चलिए हम हमारे मेन प्रोग्राम को समझते हैं कैसे काम करता है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, इफ़ डिजिटल रीड बटन वन, और मैंने यहाँ दिया है दो इक्वल टू का साइन दिया है, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने दो दे दिया यहाँ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं एक दूंगा इस यहाँ, अगर मैं इसे एक कम कर देता हूँ तो हमारा जो कंपाइलर है वो कुछ और समझ जाएगा। एक का मतलब होता है हम वेरिएबल डिफाइन करने में हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम अपने इसे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ दो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसे समझते हैं हमारा प्रोग्राम काम कैसे करेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है इफ़ अगर डिजिटल रीड बटन वन हाई होगा एंड दो मैंने एम्परसेंट लगाया है यहाँ, आप लोग देख सकते हो इसी की तरह अगर हम एक लगाते हैं तो इसमें भी हम वेरिएबल डिफाइन में इसे, मैं आगे समझाऊंगा ये कैसे काम करता है सिंगल एम्परसेंट, अभी मैंने यहाँ डबल एम्परसेंट यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ भी एक लगा देता हूँ तो ये प्रोग्रामिंग में कुछ और समझ जाएगा हमारा कंपाइलर। तो यहाँ मैंने दो एम्परसेंट लगा दिया है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इफ़ डिजिटल रीड बटन वन इक्वल टू हाई और एंड बटन डिजिटल रीड बटन टू इक्वल टू हाई। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं आर्डिनो में जो पिन नंबर टू और पिन नंबर थ्री में जो बटन कनेक्ट किया है दोनों को एक साथ जब मैं प्रेस करता हूँ तब मेरा जो है एलईडी जो पिन नंबर 13 पे लगा हुआ है वो हाई हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक को भी मैं लूज़ कर देता हूँ, मतलब कि मैं बटन को एक को मैं प्रेस करके रखता हूँ और दूसरे को छोड़ देता हूँ तो हमारा एलईडी जो है ऑफ़ हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम। अब इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग बढ़ते हैं एल्स। अभी आप लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को आप लोग छोड़ दो, मैं आगे की वीडियो में इसे समझाऊंगा। बस इतना समझो इफ़ अगर डिजिटल रीड वन इक्वल टू हाई एंड दो बार एम्परसेंट लगाना है और डिजिटल रीड बटन टू बराबर हाई, दोनों को हाई रखूँगा तब हमारा जो एलईडी है ऑन होगा एल्स, अदरवाइज़ ये एलईडी जो है हमारा लो हो जाएगा। अब चलिए ये तो हो गया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है लॉजिकल और। लॉजिकल और के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो वर्टिकल पाइप यानी कि वर्टिकल बार हम देंगे इसमें। तो गाइस यहाँ मैंने, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो वर्टिकल पाइप लगा दिया यानी वर्टिकल बार दो लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो वर्टिकल बार का मतलब लॉजिकल और होता है। अब इसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, यहाँ मैंने थोड़ा चेंजिंग किया, बटन वन में कर दिया है लो और बटन टू में कर दिया है हाई। अब इसमें क्या होगा, इफ़ डिजिटल रीड बटन वन इक्वल टू लो और डिजिटल रीड बटन टू इक्वल टू हाई, अगर ये कंडीशन होगा तो हमारा एलईडी जो है हाई हो जाएगा। तो गाइज़ ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे रखा है, आप लोग इसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें मैंने रखा है डिजिटल रीड बटन वन इक्वल टू लो और बटन टू इक्वल टू हाई, तब हमारा जो एलईडी है ये ग्लो होगा, नहीं तो ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा लॉजिकल और ऑपरेटर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल नॉट, ये क्या होता है। सो गाइस जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉजिकल नॉट में जो ऑपरेंड होता है वो एक होता है और उसका रिज़ल्ट एक दूसरा जो होता है रिज़ल्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिया है एक एलईडी लिया रिज़ल्ट के लिए और एक डिफ़ाइन किया मैंने बटन वन, बटन टू को मैंने कमेंट लाइन कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मैंने बटन टू का जो सेटअप किया था उसको भी कमेंट लाइन कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम अपने प्रोग्राम को समझते हैं इसमें क्या होगा। इसमें आप लोग देख सकते हो इसके वाइड लूप वाले प्रोग्राम में भी मैंने थोड़ा चेंजेस किया है क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेंड होता है। तो इसमें मैंने लिखा है इफ़ डिजिटल रीड बटन वन, अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक असाइनमेंट ऑपरेटर को कम करके यहाँ मैं यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ,
ये जो होता है, ये जो मार्क होता है, ये हमारा लॉजिकल नॉट का साइन होता है। तो इसमें आप प्रोग्राम को क्या कह रहे हैं, इफ़ अब इस प्रोग्राम में मैंने लिखा है इफ़ डिजिटल रीड बटन वन नॉट इक्वल टू लो, अगर लो नहीं होगा, अगर ये हाई होगा तो हमारा जो डिजिटल राइट एलईडी जो है ये हाई हो जाएगा, अदरवाइज़ ये लो रहेगा। तो इस प्रोग्राम में हम कंपाइलर को ये कह रहे हैं। तो ये तो था हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर। अब चलिए हम लोग चलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग समझते हैं अपने प्रोग्राम से कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने तीन वेरिएबल बनाया। मैंने एक वेरिएबल ए बनाया, ए में असाइन किया मैंने 5, इंटीजर वैल्यू 5 है। दूसरा मैंने वेरिएबल बी बनाया, नाम रखा है और उसमें असाइन किया है 4। अब एक मैंने तीसरा वेरिएबल बनाया है इंट रिज़ल्ट। अब ये क्या रिज़ल्ट को स्टोर करेगा, अब ये रिज़ल्ट कौन सा स्टोर करेगा, इसके अकॉर्डिंग मैं बिटवाइज ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है वो मैं साइन अगर यहाँ अगर चेंज करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिज़ल्ट जो है स्टोर होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ जो इंट रिज़ल्ट में मैंने असाइन किया है ए एंड बी, एंड का मतलब हो गया यहाँ लॉजिकल एंड। अब ये कैसे काम करता है, अब यहाँ पे आप नोटिस करने वाली बात है, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ 2 एम्परसेंट का यूज़ किया था और यहाँ मैंने 1 एम्परसेंट का यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि मैं अगर कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो उसमें मैं मुझे 2 एम्परसेंट की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, कोई सभी 2 ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ तो उसमें एक से काम चल जाता है, यानी एक ही देना होगा। अगर 2 देंगे तो यहाँ हमारे कंपाइलर में एरर आएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो चलिए अब समझते हैं इसका ए एंड बी का रिज़ल्ट क्या आएगा। सबसे पहले समझते हैं हम ए में अगर ए इक्वल टू मैंने 5 किया है तो इसको कमेंट लाइन से समझते हैं। कमेंट लाइन से इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे के प्रोग्राम में इसका यूज़ है, मैं अभी इसका यूज़ नहीं बता सकता, तो इसलिए मैं इसका आउटपुट शो नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैं कमेंट लाइन में बताता हूँ इसको कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहले मैं कमेंट देता हूँ इसमें। तो अगर मैं डेसिमल 5 का कन्वर्जन करता हूँ बाइनरी में तो इसका जो वैल्यू आएगा 0101। और नेक्स्ट हम चलते हैं अगर डेसिमल 4 का मैं कन्वर्जन करता हूँ बाइनरी में तो इसका जो वैल्यू आएगा 0100। तो ये हो गया कन्वर्जन। अब इसे बिटवाइज एंड करके देखते हैं, तो इसका बिटवाइज एंड रिज़ल्ट जो आएगा, तो चलिए अब इसका बिटवाइज एंड करके देखते हैं। तो 1 और 0 का बिटवाइज एंड हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 0 0 का बिटवाइज एंड हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिटवाइज एंड 1 और 1 का हो जाएगा यहाँ 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 0 0 का बिटवाइज एंड हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स ये जो रिज़ल्ट है हमारा आ जाएगा इसका बिटवाइज एंड का। तो फ्रेंड्स अगर हम 5 और 4 का बिटवाइज एंड करते हैं तो हमको रिज़ल्ट मिलेगा 4, यानी कि 10100। अगर हम इसे फिर से डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें रिज़ल्ट जो मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये हो गया बिटवाइज एंड। इसी तरह हम बिटवाइज और करके देखते हैं इसको, बिटवाइज और करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 और 4 का बिटवाइज और का रिज़ल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस बार हम लोग शुरू कर रहे हैं लेफ्ट से। तो 0 और 0 का रिज़ल्ट हो जाएगा 0, 1 और 1 का रिज़ल्ट हो जाएगा 1, 0 और 0 का 0 हो जाएगा और 1 और 0 का रिज़ल्ट हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम 5 और 4 का और बिटवाइज और करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, अगर हम इस 0101 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो ये फ्रेंड्स ये हो गया बिटवाइज और ऑपरेटर। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला साइन, यानी इस साइन का नाम है टिल्ड ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं
बिटवाइज नॉट का रिज़ल्ट क्या आता है। तो बिटवाइज नॉट करने के लिए हम फिर से हम इसको कमेंट लाइन करेंगे बी वाले को, क्योंकि नॉट ऑपरेटर के लिए, लॉजिकल नॉट के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो हम अगर इससे पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ए का बिटवाइज नॉट ऑपरेटर रिज़ल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट से देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ज़ीरो का बिटवाइज नॉट ऑपरेटर हो जाएगा वन। अब नेक्स्ट है वन, वन का बिटवाइज नॉट ऑपरेटर हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का वन हो जाएगा, वन का ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग करते हैं फाइव का बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा ये। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 1010 को, तो ये इसे 10 लिखते हैं हम लोग, डेसिमल में ये कन्वर्ट होके 10 हो जाएगा। सो गाइस थोड़ी मैं यहाँ पे गलती कर गया, मैं यहाँ बिटवाइज नॉट करने के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, तो मैंने ए नॉट बी कर दिया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए अब हम इसे करेक्ट वे में लिखते हैं। तो बिटवाइज नॉट का ये जो लिखने का तरीका है, सिंटैक्स है, ये है, इस फॉर्म में कुछ लिखा जाता है। तो अगर हम बिटवाइज नॉट फाइव का बिटवाइज नॉट करते हैं, तो हमें मिलता है डेसिमल 10। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसे हम लिखते हैं बिटवाइज ए का अगर हम लोग करते हैं, तो हमें मिलेगा डेसिमल 10। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट क्या होता है, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ़्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं शिफ्ट राइट क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं शिफ्ट राइट को। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इंटीजर ए, उसमें असाइन किया है मैंने 5। अब इसको मैं शिफ्ट अगर राइट करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है। देखिए शिफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको ये समझते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शिफ्ट राइट करने के लिए हम लोग कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट राइट ऑपरेटर यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है दो क्लोज एंगल ब्रैकेट को। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस डेसिमल 5 का जो बिट वाइज शिफ्ट राइट 2 करता हूँ, तो इसका देखिए रिज़ल्ट क्या आएगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा, ये जो हमारा बिट वाइज है 0101, ये शिफ्ट राइट हो जाएगा 2, यानी कि अब ये हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट देखते हैं हम, शिफ्ट राइट 2 हो जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 0001। अब चलिए हम लोग समझते हैं शिफ्ट लेफ़्ट क्या होता है। अब इसी को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, शिफ्ट लेफ़्ट कर देते हैं इसको, तो अब शिफ्ट लेफ़्ट 2 का रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, अब यहाँ आप देखने वाली बात है, ये शिफ्ट दो जो बिट है वो शिफ्ट लेफ़्ट हो जाएगा। अब इसका रिज़ल्ट देखिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 0100, क्योंकि ये दो शिफ्ट लेफ़्ट हो गया, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 0100, यानी कि इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 4। और नेक्स्ट जो हमने रिज़ल्ट में स्टोर किया था, अगर शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट राइट 2 का, अगर 5 का शिफ्ट राइट 2 करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा 0001। तो ये हो गया शिफ्ट राइट का, और ये ऊपर में आप लोग देख सकते हो शिफ्ट लेफ़्ट का रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ मेरे प्लेलिस्ट को, जो मैंने आर्डिनो प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट बनाया है, उसे एक्सेस कर लो, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो को कंटिन्यू कर सको।